सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोएडा रियल्टी। तो आज हम आपके लिए एक बार फिर कवर करने वाले हैं गॉडरेज गोल्फ लिंक्स। गॉडरेज गोल्फ लिंक्स की लोकेशन की बात करें तो दिस इज लोकेटेड इन सेक्टर 27 ग्रेटर नोएडा। टोटल प्लॉट साइज की बात करें तो गॉडरेज गोल्फ लिंक्स 100 एकड़ में बना हुआ है। गॉडरेज गोल्फिंग में हम पहले भी एक वीडियो कंटेंट पब्लिश कर चुके हैं जो कि हमने आज से तकरीबन 8 महीने पहले पब्लिश किया था, बट तब में और अब में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। काफी सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, काफी सारे अपडेट्स हैं जो हम आपको इस वीडियो कंटेंट के थ्रू दिखाना चाहेंगे। तब में और अब में अगर हम इन्वेंटरी की बात करें तो विला में रेयरली आपको कोई इन्वेंटरी मिलती है। मेजरली विलाज हैं वो सोल्ड आउट हैं। अब आपको एक इफेक्टिव पोजीशन स्टेटस दिखाई देता है साइट पे। गॉडरेज गोल्फ लिंक्स में अगर हम बात करें तो 20 एकड़ में बना हुआ सेंट्रल गोल्फ कोर्स एरिया आपको मिल जाता है। अब गॉडरेज गोल्फ लिंक में अगर हम ऑफरिंग की बात करें तो आपको विलाज मिल जाते हैं, विलामेंट्स मिल जाते हैं, उसके अलावा आपको सूट्स भी मिल जाते हैं। करंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज योर फेज वन डेवलपमेंट। ये आपके क्रेस्ट विलाज हैं। यहाँ पे आपको 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर 300 स्क्वायर यार्ड तक की यूनिट मिल जाती थी। तो विलाज में रेयरली कोई इन्वेंटरी अवेलेबल है। जो भी इन्वेंटरी आपको मिलेगी वो G+7 के जो लो राइज अपार्टमेंट है उनमें ही मिलेगी। सामने जो आप हाई राइज डेवलपमेंट देख रहे हैं, दिस इज योर गॉडरेज सूट्स। ये जो डेवलपमेंट है दिस कम्स अंडर पॉकेट वन। इसमें आपको फुली फर्निश्ड सूट्स मिलेंगे। गॉडरेज गोल्फ लिंक्स को ब्रीफ में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। करंट जो स्क्रीन पे आप डेवलपमेंट देख रहे हैं इससे आप पोजीशन स्टेटस का आइडिया लगा सकते हैं। राइट में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज योर क्लब हाउस। ये एक मिनी क्लब हाउस है जो हर फेज में मिलेगा आपको। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको पहले बताया, एक मास्टर क्लब हाउस भी है। सो नाउ मूविंग फर्दर, दिस इज योर 20 एकड़ गोल्फ कोर्स जिसको हमने सेंट्रल ग्रीन आपको बताया था। गॉडरेज गोल्फ लिंक में करंटली जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है दैट इज योर G+7 लो राइज अपार्टमेंट। विंडसर विलामेंट्स की अगर लोकेशन की बात करें तो दिस इज लोकेटेड इन पॉकेट 3। यहाँ पे आपको 3 और 4 BHK के लो राइज अपार्टमेंट मिल जाते हैं। टावर हाइट की बात करें तो दिस इज ग्राउंड+7। करंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज योर फेज 3 डेवलपमेंट। ये आपके एक्सक्विजिट विलाज हैं। यहाँ पे 125 स्क्वायर यार्ड से लेकर आपको 1000 स्क्वायर यार्ड तक की विला यूनिट्स मिलते हैं। करंट डेवलपमेंट स्टेज आप देख सकते हैं। आउटर एंड इंटरनल फिनिशिंग वर्क इज इन प्रोसेस। ये एक्चुअल स्टेज है आपकी एक्सक्विजिट विलाज की। करंट जो स्क्रीन पे आप अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज योर मास्टर क्लब हाउस। एरिया की बात करें तो 60,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये क्लब है। इसके अलावा अगर क्लब्स की बात करें तो हर पर्टिकुलर फेज में आपको क्लब मिलेगा। सो दिस इज योर फेज 2 डेवलपमेंट। इवोक विलाज हैं ये आपके। 180 स्क्वायर यार्ड से लेकर आपको 300 स्क्वायर यार्ड तक के विला यूनिट यहाँ पे मिल जाते हैं। विला यूनिट्स की हम प्राइस रेंज की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि विलाज में इन्वेंटरी अवेलेबल नहीं है। दी पर्पस ऑफ शोइंग यू ऑल दीज विलाज इज कि आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टेज देख पाए यहाँ पर। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो कंटेंट में बताया था, टोटल जो डेवलपमेंट है वो फेज वाइज डेवलपमेंट है। अब अगर हम टोटल डेवलपमेंट की बात करें तो 4 फेज में इसका डेवलपमेंट हो रहा है टोटल, जिसमें से 3 फेज आपको डेवलप्ड दिखाई देंगे, 1 फेज है दैट इज नॉट येट लॉन्च्ड। So this is the mini clubhouse to your G+7 low rise apartment. इसी तरीके से आपको पार्क लेन विलामेंट्स में मिल जाते हैं। सिमिलरली G+7 के लो राइज अपार्टमेंट है, वो पॉकेट 2 में लाई करते हैं। विलामेंट्स के डिलीवरी स्टेज की बात करें तो दे विल बी पोजेसिंग दिस ईयर ओनली। करंट वीडियो में जो यूनिट हम कवर करने वाले हैं दैट इज योर पार्क लेन विलामेंट्स। सो नाउ दिस इज योर एंट्री टू योर पार्क लेन विलामेंट्स। ये इस तरीके से रिसेप्शन लॉबी दी हुई है। जो वेरिएंट आज हम विजिट करने वाले हैं दैट इज योर 4 BHK+ यूटिलिटी वेरिएंट।
तो करंटली जो हम वेरिएंट विजिट करने वाले हैं दैट इज योर 4 BHK प्लस यूटिलिटी वेरिएंट। साइज की बात करें तो दिस इज 2276 स्क्वायर फीट। इन लो राइज अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दीज आर ऑल्सो डिनोटेड एज दी विलामेंट्स इन दी गोदरेज गोल्फलिंग। मूविंग फर्दर यू गेट योर ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया। टोटल ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 22x3x11.9। और वही अगर हम बालकनी की बात करते हैं तो आपको एक स्पेशियस रनिंग बालकनी मिल जाती है जिसका डायमेंशन 14x5x4.11 है। सो द पर्टिकुलर अपार्टमेंट वी आर विजिटिंग दिस इज अ नॉन गोल्फ फिशिंग अपार्टमेंट। सो नाउ दिस इज अ फ्रेंच विंडो ऑफरिंग इनफ ऑफ द सनलाइट टू योर अपार्टमेंट। सो नाउ मूविंग फर्दर, सो नाउ गेटिंग इन टू द किचन एरिया। डायमेंशन की बात करें तो 10x11x8 अराउंड की किचन है आपकी। फिनिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको किचन में चिमनी हॉब के साथ आपको मॉडुलर किचन मिल जाती है। करंट स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं दिस इज योर वेस्टिबल एरिया जिसको कनेक्टिंग एरिया से भी डिनोट कर सकते हैं आप। 5x3x86 का डायमेंशन है इस पर्टिकुलर एरिया का। सो नाउ मूविंग फर्दर दिस इज योर कॉमन वॉशरूम। 5x3x84 का डायमेंशन है इस पर्टिकुलर वॉशरूम का। गोदरेज गोल्फ लिंक का एक ब्रीफ टूर हमने कवर किया था कुछ टाइम पहले। यू विल फाइंड द लिंक इन द नोटिफिकेशन बार in case if you want to go through the entire tour. You can also find the link in the description. So now starting with the first bedroom of the apartment. डायमेंशन की बात करें तो 12x1x9x10 का डायमेंशन है इस पर्टिकुलर बेडरूम का। दिस पर्टिकुलर बेडरूम इज कनेक्टेड विद योर कॉमन वॉशरूम एंड डज हैव अ बालकनी एरिया। जो वेरिएंट हमने विजिट किया अगर हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.09 crore। सो नाउ मूविंग फर्दर विद द मास्टर बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट तो 12.5x14.11 का डायमेंशन है इस पर्टिकुलर बेडरूम का। यू गेट योर वार्डरोब बिल्ट इन दिस पर्टिकुलर बेडरूम ओनली। दिस डज हैव अ वॉशरूम अलोंग विद द ड्रेसिंग एरिया। डायमेंशंस की बात करें तो ड्रेसिंग एरिया का डायमेंशन 5x3x5.7 का है और वही वॉशरूम की डायमेंशन की बात करें तो 5x3x8.8 का डायमेंशन है आपका वॉशरूम का। अगर हम जनरल प्रैक्टिस की बात करें तो मास्टर बेडरूम के बालकनी का व्यू एक इम्पोर्टेंट कंसर्न रहता है हमेशा। तो यहाँ जो बालकनी आपको दी गई है उसके डायमेंशन की बात करें तो 11x10x4.11 का आपका डायमेंशन है बालकनी का। द व्यू इज मेस्मराइजिंग। आइदर इट वुड बी गोल्फ फिशिंग और इट वुड बी नॉन गोल्फ फिशिंग बट द व्यू वुड बी अनइंटरप्टेड। सो नाउ मूविंग टू द थर्ड बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट। 10x9x12 का डायमेंशन है इस पर्टिकुलर बेडरूम का। वॉशरूम के डायमेंशन की बात करें तो 5x3x8.10 का डायमेंशन हो गया आपका वॉशरूम का। और वही अगर हम बालकनी एरिया की बात करें तो योर बालकनी एरिया 6x4x4.11। सो नाउ मूविंग टू द फाइनल बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट। अगर इस पर्टिकुलर में आप विंडो वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो दैट इज वेरी प्लेजेंट। आपको इफेक्टिव सनलाइट मिल जाती है हर पर्टिकुलर अपार्टमेंट। 10x4x10.10 का डायमेंशन है इस पर्टिकुलर बेडरूम का। दिस पर्टिकुलर बेडरूम इज जस्ट नेक्स्ट टू द एंट्री ऑफ द अपार्टमेंट। दिस बेडरूम कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ गेस्ट बेडरूम। पोजेशन की अगर हम बात करें तो द पोजेशन ऑफ दीज लो राइज अपार्टमेंट इज टू बी डन विद इन दिस ईयर। दिस डज हैव अ कनेक्टेड वॉशरूम। अगर डायमेंशन की बात करें तो 5x3x7.10 का डायमेंशन है इस पर्टिकुलर वॉशरूम का। So now moving further, this is your utility room. Utility room के dimension की बात करें तो 5x11x6.10 का dimension है इस particular room का। This does have a washroom. इस particular washroom के dimension की बात करें तो 5x9x3.3 का dimension है इस particular washroom का। ये particular room आपका utility balcony से connected है. That is connecting to your kitchen. So this can also be used as a servant quarter. This room does have a separate entry along with the apartment entry. So we hope आपको ये video content useful लगा होगा। इन केस आप गोदरेज विलामेंट्स विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो इन केस अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आया हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। वी विल ब्रिंग अप मोर सच कंटेंट इन द कमिंग टाइम। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।